स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा। जहां हम पहुंचे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी में स्थित हांगकांग मार्केट। हांगकांग मार्केट जिसको कि चाइना मार्केट भी कहा जाता है। हांगकांग मार्केट यानी कि वो जगह जहां पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो सामान तो आपको भरपूर मिलेगा और बहुत सारी वेरायटी में मिलेगा, लेकिन यहाँ खरीदारी करने के लिए आपको आपकी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप बार्गेन कर पाते हैं, मोल भाव कर पाते हैं, तभी ये मार्केट आना आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो आपकी पॉकेट आपको ढीली करनी पड़ेगी कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इतना ही बड़ा बार्गेनिंग का स्तर होता है। लेकिन ये जो आम जनता है, जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो क्या इसी तरह मोल भाव करके तोल करके जो कैंडिडेट्स होते हैं या पार्टियां होती हैं उनको अपना वोट देना तय करते हैं, क्या होता है आखिर, उन आम जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हांगकांग मार्केट में जब पहुंचे हैं तो फिर यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर के, उनसे भी माहौल समझने की कोशिश करेंगे। आइए सीधा आपको मार्केट के भीतर लिए चलती हूँ और उनसे जानती हूँ क्या है इस बार चुनाव का माहौल। तो हांगकांग मार्केट आए हैं आप लोग खरीदारी करने के लिए, तो बहुत ही मशहूर मार्केट है यहाँ की। क्या सोच के आए? हम लोग बाहर से आए हैं। कहाँ से? हम असम से, गुवाहाटी से। अच्छा, और गुवाहाटी से हांगकांग मार्केट, क्या पता चला था आपको इसके बारे में, इस मार्केट के बारे में? हमको पहले से पता है, यहाँ पर हर चीज थोड़ा सस्ती में मिलते हैं। सस्ते में मिलते हैं, लेकिन मोल भाव करना हाँ हम करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी ये अच्छा क्वालिटी मिलता है। ठीक है, तो ये बताइए ये जो मोल भाव यहाँ करने के लिए आप तैयार है, इतना ही मोल भाव चुनाव में भी करते हैं जब वोट देते हैं? हाँ करते हैं। ना 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 ना, हम क्वालिटी देखते हैं। क्या क्वालिटी देखते हैं? जो ये है हमारा कैंडिडेट्स, कैंडिडेट की क्वालिटी या पार्टियों की क्वालिटी? नहीं नहीं, पार्टी का नहीं देखते हम, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं। अच्छा, बंगाल में तो ममता दीदी हैं और असम में तो अपने सुपर सीएम है जी, वहाँ पर कौन पसंद है दोनों में देखा जाए, क्योंकि ईस्ट से ही आती हैं दोनों राज्य। असम का ही पसंद है हेमंता जी। जी हेमंता विश्व शर्मा, क्या अलग कर दिया उन्होंने अपने कार्यकाल में आने के बाद अचानक? उनमें अपना एक खुद का एक खूबी है। खूबी है हाँ जी। तो ममता दीदी में वो खूबी नजर आती है? आते हैं, लेकिन हम यहाँ का नहीं है ना, इसलिए इनके बारे में नजर बारे में नहीं बोलता। आप बताइए, महिला है, ममता दीदी भी महिला है और देश में पहली ऐसी सीएम है जो कि महिला सीएम है, बंगाल से आती है, ममता दीदी कैसी लगती हैं आपको? भले आप दूसरे राज्य से आती हैं लेकिन फिर भी एक छवि होती है हमारे दिमाग में, उस लिहाज से सिंपल है, एकदम सिंपल से रहते हैं ड्रेस में, मतलब साड़ी में, तो अच्छा लगता है। तो इस बार क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के 42 लोकसभा की सीटें हैं, ज्यादा सीट कौन जीतेगा, बीजेपी जो टक्कर दे रही है या फिर टीएमसी? यहाँ के तो इतना पता नहीं मेरे को। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, किसके पक्ष में है जरा बताइए, कौन ज्यादा सूट करता है बंगाल को, प्रधानमंत्री का चेहरा या दीदी की छवि? बंगाल में दीदी का छवि अच्छा है। दीदी का छवि अच्छा है, कैसे, मतलब कुछ 5 सालों में या उनके पूरे इन 3 कार्यकाल के दौरान आपको क्या लगता है ममता दीदी ने बंगाल के लिए क्या कुछ किया? बहुत कुछ किया है, जैसे हॉस्पिटल जैसे था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब था थोड़ा उसका उन्नति किया हुआ है, पहले तो इतना नहीं था ना, सीपीएम का बगल में इतना कुछ नहीं था, सुपर स्पेशलिटी कोई अस्पताल नहीं था, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। थोड़ा सा चोरी चकारी भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत काम किया है। चोरी चकारी मारपीट ये सब बंगाल के साथ होता ही रहता है, बंगाल ज्यादा हुआ है इस कार्यकाल से, ज्यादा हुआ है इसको ये मानना पड़ेगा। ये क्यों, लेकिन क्यों, क्या कारण है? ये बहुत कारण है, ये लोग पार्टी का अंदर का बात है, हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन होता रहता है बंगाल में, वोट होने से ऐसा होता रहता है। ये बताइए, क्योंकि बंगाल जो है वो भद्रो मानुष कहा जाता है, भद्रो मानुष की जगह है, यहाँ पर संगीत, यहाँ पर कलाकारों की जगह है, तो यहाँ पर कम से कम ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, राजनेता आते हैं चुनावी वादे करके चले जाते हैं, ठग लेते हैं, तो आप लोग जो मार्केट में है तो ये तो नहीं करते, कम से कम आम पब्लिक के साथ जो आती है यहाँ पर खरीदारी करने के? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, वैसा हम लोग किसी से खराब व्यवहार नहीं करता है, लेकिन वो लोगों को, हम लोगों का जो 5 साल में एक बार आता है तो वो लोग दोबारा 5 साल में 2-3 बार आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए, एक बार ही आता है वो लोग, जीत के चला जाता है। तो निगाह में बैठा के एक बात बोलते हैं, दार्जिलिंग में जो एक सीट है हम लोगों का, वो अभी 15 साल से बीजेपी का ही है, उनको कहाँ दिखता है, हम लोगों को नहीं दिखता है, बीजेपी का ही है 15 साल से। ये जो हम लोगों का यहाँ का सीट है 15 साल से बीजेपी का ही सीट है, तो उसको लेकर नाराजगी है, थोड़ा सा नाराजगी होगा, नाराजगी का असर चुनाव में पड़ेगा?
अभी हमारा हिसाब से तो हम अकेला तो नहीं कह सकते ना, वो सब कह सकते। अच्छा दीदी ये बताइए, आप तो महिला हैं, दीदी ममता दीदी कितनी बंगाल के लिए जरूरी है या कितनी खास है, आपको क्या लगता है कि महिला की छवि होने के नाते? बांग्ला से बात कर सकते? हाँ बांग्ला से बात करो, हमें बुझते पारी। अच्छा ठीक है, दीदी तो हमारे बांग्लार जो अनेक कि हाँ আমাদের মহিলাদের জন্য আমরা ঘরে বসে 500 টাকা 1000 টাকা এখন এই এপ্রিল থেকে 1000 টাকা দিবে। এই সত্য যে লক্ষ্মী ভান্ডার যোজনা চল রহি হ্যায় জিসমে মহিলাওঁ কো 500 আর 1000 রুপিয়া ঘর বেঠে মিলতা হ্যায়। আপকো কিতনা মিল রহা হ্যায়, কিতনা রুপিয়া মিলতা হ্যায়? হাম তো নেই কিয়া লেকিন লেকিন মিলতা হ্যায়। हाँ सब लोग के मिलता है। अच्छा, ये तो है ही, लेकिन माने स्कूले जोन तो साइकिल बोलें, ड्रेस बोलें, बॉय बोलें, सब कुछ ही दीचे उन्हीं, माने आमादर पश्चिम बंगे जोन अनेक करे छे। अच्छा दीदी काम करती है यहाँ के लिए तो फिर तो प्रचुर खूब काम करती हैं, प्रचुर मतलब खूब काम करती हैं, तो फिर मतलब दीदी यहाँ ज्यादा सीटों पर जीतेगी। लेकिन बताइए महिला होने के नाते आपके मुद्दे क्या हैं, क्या आप चाहती हैं महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए जो अभी तक आपको लगता है, और आप तो मार्केट में बैठ रही हैं हांगकांग मार्केट में भी, क्या सुविधाओं की आपको कमी दिखती है, क्या प्रचुर मात्रा में यहाँ पर शौचालय है, दिक्कतें कुछ आती हैं आप लोगों को जो चाह? सब ही करेछे दीदी, कोनो किछु तो बाद हयनी, सब ही तो वार्डे वार्डे सब वार्डे सब सब काज ही होच्छे, कोनो काज तो बंद नहीं। अच्छा ठीक ही अच्छे, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ और कस्टमर से भी और कुछ आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा यहाँ पर आप कस्टमर हैं या दुकान है, तो ये बताइए क्या चल रहा है इस बार, माहौल किसके पक्ष में है, हवा पश्चिम बंगाल की हवा किस ओर बह रही है? ये तो बताना मुश्किल है दीदी, ये तो अगला निर्वाचन और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर चुनाव क्या दिलचस्प हुए हैं पिछली बार से देखा जाए, लोकसभा के खासकर चुनाव 19 से अभी दिलचस्प हुआ है? हर बारी तो दिलचस्प ही है, कोई टेंशन रहता है, लड़ाई भी तो अच्छा ही होता है, इस बार देखा जाए कैसे होता है। लेकिन 2014 में दो सीटें 40 में से 42 में से दो ही सीटें मिली थी बीजेपी को, फिर 2019 में आकर के अचानक से 18 सीटें हो गई, तो यानी बीजेपी का प्रभाव तो बढ़ रहा है, वो और बढ़ेगी आपको लगता है इस बार? बढ़ सकता है, ये तो कंफर्म तो इलेक्शन के निर्वाचन के रिजल्ट के बाद ही बोला जाएगा, अभी तो कैसे बताया हम लोग। आप लोगों के मुद्दे क्या है हांगकांग मार्केट में, आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन 5 सालों के दौरान क्या बदला है? अच्छा अगर मैं 14 से भी कह लूँ, 14 से 19 का और अब ये चुनाव होने जा रहा है, क्या बदला है हांगकांग मार्केट में पहले की अपेक्षा? बिजनेस थोड़ा डाउन ही है। डाउन है, क्यों डाउन है? कस्टमर कमती है इसीलिए डाउन है। तो इसका कारण क्या है? कारण पता नहीं क्यों कारण आए। आप लोगों की कमाई पर कितना असर है? हम लोग का कमाई अभी कमी हो गया, अभी पहले जैसा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से मैं पूछूं, मान लीजिए पहले 100% आप कमाते होंगे, अब कितना कमा? अभी 75 25%। हाँ तो ये स्थिति कब तक सुधरेगी बोल नहीं सकते। महंगाई एक रीजन आप मान रहे हैं क्या? वो एक रीजन है कस्टमर्स नहीं निकल रहे, खरीदारी नहीं कर रहे, महंगाई जो आता है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लेता ही है। हाँ लेकिन ओवरऑल असर पड़ा है। अच्छा चुनावी माहौल आपको किस ओर दिखाई दे रहा है, बीजेपी या टीएमसी, किसका जोर रहेगा? कॉन्टेस्ट है, दोनों ही कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का है? कांग्रेस का तो उतना जोर नहीं है। नहीं है। और वाम? वाम भी ऐसे ही, बीजेपी और तृणमूल में थोड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है, सीधी लड़ाई है। हाँ। अच्छा यहाँ राजनीति अगर समझने वाले लोग हों तो उनसे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। ये बताइए वाम एकदम समय के साथ धीरे धीरे बंगाल में ख़त्म क्यों हो गए, जहाँ जो पहले सत्ता में हुआ करते थे आज वो एक एक सीट के लिए तरसते हैं, लड़ते हैं, एक एक सीट के लिए फाइट करनी पड़ती है, उसमें भी सफलता नहीं मिलती, क्यों? युवाओं को सामने नहीं लाया इसलिए, युवाओं को, युवा कैंडिडेट उनका कम था इसलिए शायद मेरे को तो ऐसे ही लगता है। अच्छा अब मुझे घूमते घूमते एक प्रिटी फेस यहाँ पर मिली, और महिला होने के नाते ये पूछना बनता है कि प्रभाव किसका ज़्यादा नज़र आता है, युवा भी हैं आप और महिला भी हैं, किसकी ओर झुकाव, टीएमसी या बीजेपी इस बार? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी यानी मोदी, हर घर मोदी। और क्यों? जितना बदलाव हुआ है उनके आने से उतना पहले दिखा नहीं है, और वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि ये जो फ्री का मिलता है, मुफ्त का, सबको आदत हो गया है, 1 रुपए 2 रुपए का चीज़ का, आदमी बेकार रहना चाहता है, यहाँ काम की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, फ्री का सामान नहीं, आदमी को आत्मनिर्भर बनना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आपको लगता है मोदी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो यही आरोप लगाती हैं कि ये तो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल, कहाँ गए वो रोजगार? देखिए, बात तो सब कुछ करता है पर दिखता तो है हर जगह जो वो उन्नति हो रहा है, दिखता तो है, यहाँ पे कहाँ दिखता है? यहाँ वेस्ट बंगाल में सिर्फ कलकत्ता है जहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखता है, बाकी तो कहाँ पे दिखता नहीं है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का मतलब सिर्फ कलकत्ता दिखता है, बाकी कहीं पे नहीं। अच्छा। कहाँ दिखता है? नहीं दिखता। विकास के पैमाने पर सिलीगुड़ी बहुत पिछड़ा है। और क्या, आप लोग कहीं और से आ रहे हैं या यहीं के रहने वाले? हम लोग वेस्ट बंगाल बारहमपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो हांगकांग मार्केट में खरीदारी करने आए? हाँ हाँ, हांगकांग मार्केट में दार्जिलिंग गए थे। अच्छा, खरीदारी कर लिया? ऐसा कोई खास प्लानिंग हांगकांग मार्केट को लेके नहीं थी? नहीं नहीं, हम अब रिटर्न जा रहे हैं बारहमपुर। अच्छा, ये बताइए चुनाव का माहौल क्या नजर आ रहा है? मुझे कुछ मालूम नहीं, इसको वोट देती होंगी। हाँ हाँ हाँ, तो दादा के कहने पे वोट देती हैं आपने? नहीं नहीं, दादा के कहने पे नहीं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब दीदी अच्छा काम कर रही है आप? हाँ कहें, हमको मालूम नहीं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए काम करती है लेकिन हामी नहीं भरी, आप बताइए। लेकिन क्योंकि धर्म पत्नी तो आपको काम करती है, आपकी कैसा लगता है? ये परेशान है तो हो रहा है, पार्टी के कैडर की तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। जब सीपीएम था तो उन लोगों का अपना खुद का पार्टी कैडर था, लेकिन इन लोगों का ऐसा भी, इन लोगों का कोई क्या कहूँ कि इस ऐसा भी कुछ इन लोगों का क्वालिटी नहीं कि खुद का वो पार्टी कैडर इकट्ठा कर सके। अच्छा। क्योंकि जो भी लगा हुआ है वो घूसखोरी में लगा हुआ है, तो जितना जो लोग है, ये लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस लोगों को कुछ लाइबिलिटीज़ है सरकार की तरफ से, उसी को ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों को एज ए पार्टी कैडर इन लोग वो लगा रहा है। मना नहीं कर सकते ना? मना नहीं कर सकते, फिर सो कॉज लेटर आ जाएगा, टर्मिनेशन आ जाएगा, तो इन लोगों का वही डर रहता है, कुछ भी हो ये ड्यूटी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जो एक गवर्नमेंट का काम ऐसा नहीं है कि लड़की का शादी दे दो, गवर्नमेंट का काम ऐसा है कि शिक्षा दे दो, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दे दो, हम लोगों को काम दे दो, यही गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। ऐसा नहीं कि 500 रुपया दे दो वो जुबोश्री दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो कन्याश्री दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन लोगों को जो हम लोगों के जो बेटरमेंट के लिए जो मानी आता है, ये लोग क्या करता है कि भीख के तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मुद्दा यही है। इसलिए हम लोग निगलेक्टेड रहते हैं। रोड के कंडीशन देखिए आपका, इधर कुछ फ्यूचर कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। बाहर जाओ वो आप ट्रीटमेंट के लिए हम बंगाली लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। एक ऐसा वक्त था जो कलकत्ता में सब लोग आते थे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, आज वेस्ट बंगाल के लड़का लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, हमारे जो बंदे रहते हैं उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्या काम करता है वो? इंजीनियरिंग ख़त्म करके एक लेबर की तरह काम करता है। अच्छा, रोज़गार नहीं है यहाँ पे। तो केंद्र की मोदी सरकार से आपको अपेक्षाएं हैं? देखिए, और कोई तो चारा नहीं है ना हम लोगों के पास। ऐसा भी हो सकता है कि बुरा हो, लेकिन हम लोगों को एक बदलाव चाहिए। जैसे अपॉर्चुनिटी अगर नहीं बदल होता है तो सेम ही रहेगा कंडीशन, तो इससे तो भला यही हम लोगों के पास जो पावर है उसको यूटिलाइज करके थोड़ा गवर्नमेंट को पलट वर्क कर दे। क्योंकि हम लोगों को ये दिखाना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे हाथ में ये है, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को हम लोग पलटा सकते हैं। तो फिर क्यों, अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों दीदी तीसरा भी टर्म उनका चल रहा है, क्यों बार बार चुन के आ रहे? यही तो बहुत बढ़िया सरप्राइज है। जो कलकत्ता का लोग जो बहुत बुद्धिजीवी लोग रहता है ना, उस सर्कल में ज़्यादातर फैसिलिटी उन लोगों को मिलता है, ज़्यादातर सीट भी उसी तरह है, इसलिए वो लोग करता है कि उन लोगों का जो वोट ज़्यादा पड़ता है वो लोग देखता है। दिन में दीदी को गाली देता है लेकिन वोट जाके दीदी को ही देता है, क्योंकि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कलकत्ता और उसके आसपास में ही हुआ है, इधर कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत लोगों की शिकायत है कि विकास के नाम पर सिर्फ कोलकाता ही हुआ है, जितना भी हुआ है कलकत्ता में ही हुआ है और कई बार नहीं हुआ है। इस बार तो लोकसभा के चुनाव हैं, 42 सीटें हैं। हाँ, हाँ। बाकी कांग्रेस और वाम वो तो लगभग खत्म ही है यहाँ पर इस बार, लेकिन राहुल गांधी ने निकाली यहाँ से यात्रा, आपको लगता है कुछ बस क्रिएट हुआ है? देखिए, कांग्रेस को भी हम लोग देख चुके हैं, उसका जमाना भी देखते हैं। हम जो मुर्शिदाबाद में थे, एक दफा कांग्रेस का दबदबा था,
उस टाइम में कांग्रेस कुछ काम किया है अधीर रंजन चौधरी के वक्त पे, कांग्रेस कुछ और लोगों का सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है अधीर रंजन चौधरी के साथ। लेकिन अगर उधर से अधीर रंजन चौधरी जीतता है तो केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलेगा, राज्यों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, दीदी का सपोर्ट, एक अकेला कैसा काम करेगा। लेकिन वो बंदा काम किया था मुर्शिदाबाद के लिए, बहरमपुर के लिए कुछ काम किया था। चलिए, है तो चुनाव हालांकि लोकसभा का, लेकिन विधानसभा के लिहाज से बदलाव वो भी ढूंढती है यहाँ की जनता। शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है चुनावी माहौल। इस बार दीदी ने साफ साफ कहा ये सीधी फाइट है, यानी कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी, तो 42 सीटों पर किसका दबदबा होगा, क्या लगता है किसका दबदबा आपको लगता है कि इस बार 42 सीटों पर देखने को मिलेगा, टीएमसी या बीजेपी, मोदी या दीदी? मोदी। मोदी क्यों लगता है? सही, मोदी आएगा। आपका रोजगार काम धंधा अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा है ना अभी। नहीं चल रहा है तो रोजगार तो मुद्दा होना चाहिए, कौन देता है रोजगार? और देखना पड़ेगा, जाने दीजिए वोट को, उसके बाद देखना पड़ेगा। तो वोट में ही तो जवाब देंगे? वोट में ही। अगर वोट तो निकल जाएगा तो फिर क्या फायदा, वो तो सांप निकल गया तो लाठी पीट के वाली बात हो गई, क्या फायदा? तो वोट में ही तो जवाब देना पड़ेगा। रोजगार अगर मुद्दा है तो उसी हिसाब से चुनेंगे? हाँ, देखना पड़ेगा अभी। लेकिन मोदी आएगा तो शायद हो सकता है बिजनेस अच्छा हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी अच्छा फाइट देगी, पार कर देगा, 400 पार कर देगा? हाँ, पूरा कर देगा, मोदी का बात तो रहेगा। 42 में से बंगाल कितना देगा? बंगाल में 25 तक आ सकता है बीजेपी को। दीदी कमजोर हुई है पहले के मुकाबले? पहले मैचे बहुत कमजोर, थोड़ा नहीं बहुत कमजोर हो गया। क्या ऐसी कमियां खुलकर? ये पकड़ जाता है, चोर है, वो चोर है, ये चोर है, सभी तो चोर चोरी है, इसीलिए सबसे भ्रष्टाचार टीएमसी में, इसीलिए तो मुश्किल हो गया। अच्छा, आप लोगों में राजनीतिक चर्चाएं तो होती होंगी, यहाँ पर आप लोगों के अपने मुद्दे भी होते होंगे राजनीतिक चर्चाओं के भी? मार्केट के अंदर कोई राजनीति चर्चा नहीं होता है। नहीं होता है ना, एकदम। आप लोगों के अपने मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव? कौन सा लोकसभा में? लोकसभा में सेंट्रल में तो आपका जो बीजेपी है वही रहेगा, और कौन रहेगा? और तो ये मतलब लोगों की वजह से या यही होने वाला है? ना, आपका माने दूसरा जो पार्टी आएगा उसका तो कोई विशेष नेता है ही नहीं जो आपका माने प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, ऐसा चेहरा, विपक्ष तो पूरा एक साथ एकजुट है, सारा विपक्ष खिलाफ, मोदी एक तरफ विपक्ष एक तरफ, तो भी नहीं जीतेंगे? तो भी नहीं जीतेगा, कोई है ही नहीं, तो सब तो चोरी है, सब चोर दिखते हैं, सब चोर है, और कौन है बोलिए? तो मोदी को, आपका जो कांग्रेस का जो राहुल है वो तो उसका दिमाग में कोई काम नहीं करेगा पीएम का, ठीक है, और कौन आएगा बोलिए? दीदी बन सकती थी? दीदी का नहीं है, वो तो आने जाने में तो गिर जाता है, मता फटता है उससे। नहीं चुनाव में चोट लग गया? ना क्यों चोट लग गया दीदी को, ऐसा क्या हो गया? वो गिर गया था घर में, पिछल है ना, पिछल हो गया। तो दीदी को चोट लगता है तो फिर बंगाल का प्यार जाग जाता है दीदी के लिए? ना, दीदी के लिए तो सबका तो थोड़ा खराब लगेगा ही, दीदी तो बंगाल का है ना, तो उसका फायदा होगा? तो इसे क्या चोट का, चोट के लिए क्या फायदा होगा? उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा। अभी आदमी बहुत बहुत पहले से बहुत इसे हो गया, सयाना हो गया ना, वो सब हाथ टूटने से, माथा फोड़ने से वो सब काम नहीं करता है, वैसा काम नहीं होगा अभी। कौन, अच्छा कोई एक तो आपको चेहरा विपक्ष में नजर आता होगा पीएम के लिए जो सीधी टक्कर फाइट दे पाए? वो इसमें है ही नहीं, एक था वो भी जेल में घुस गया। केजरीवाल? अच्छा, केजरीवाल। केजरीवाल अच्छा था, लेकिन हम लोग का माने जानते थे हम लोग जो केजरीवाल अच्छा है, लेकिन वो भी तो भ्रष्टाचारी आया ना। आप लोग इस बात पे विश्वास करता है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी? लेकिन देखिए, वो जब तक वो माने रिलीज नहीं होगा तब तक तो वही है ना, जेल में जब चला गया तो फैसला होने वाला है ना, उसका बाद में पता चलेगा। जी बताइए, नीतीश कुमार ने कमजोर किया क्या विपक्ष? नीतीश कुमार को अच्छा आदमी नहीं है, उसका नीति ठीक नहीं है, ना ना तो बीजेपी ने तो साथ ले लिया। बीजेपी ने तो उसको साथ ले लिया उनको। हाँ, तो जाएगा, पहले तो बीजेपी था, फिर कांग्रेस में आया, फिर अब बीजेपी में चला गया, ऐसा ही तो करता है ना, वो तो पार्टी बाज है ना, वैसा नहीं होगा, वैसा नीति में आपका पीएम बनेगा नहीं, हो देश के लिए मोदी जरूरी है। हाँ हाँ, मोदी ठीक है, मोदी चला तो कौन है, और तो कोई नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मोदी जरूर है, मोदी ठीक है। पश्चिम बंगाल
का झुकाव ये बताता है कि इस बार वाकई में ये दो तरफा ही मुकाबला है, एक तरफ है दीदी एक तरफ है बीजेपी, और इस बार फाइट टफ होने वाली है और ये बेजोड़ फाइट होने वाली है। 2 से 18, 18 से कितने सीटों पर 42 में पहुंचेगी बीजेपी, ये बंगाल बताएगा अपनी वोट के चोट के जरिए। यहाँ हांगकांग मार्केट से फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, देखते रहिए न्यूज़ 24।